हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आपको बेस मेकअप बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी मेकअप का आई मेकअप आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाके बहुत ईजी से आई मेकअप को देख सकते हैं। जो ब्राइडल आई मेकअप है बहुत ईजी स्टेप्स में बताया गया है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो आप वहाँ जाके उस आई मेकअप को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो बेस मेकअप का। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा गिरे हुए ग्लिटर्स जो फॉल हो जाते हैं हमारी स्किन पर, उसको आप लोग वेट वाइप से क्लीन कर देंगे। मॉइस्चराइजिंग हम लोग कर चुके थे, रिफ्लेक्स प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं जो कि फॉरएवर 52 ब्रांड का प्राइमर है। अंडर आई के नीचे हम लोग ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी जो हमारी स्किन है प्रॉब्लमेटिक है, तो जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं डार्क की, उधर हम लोग ऑरेंज करेक्टर लगा के उन प्रॉब्लम्स को हाइड करेंगे। जितना भी अनइवन हमें पार्ट दिखता है, हमें वहाँ पे करेक्टर का यूज़ करना ज़रूरी होता है। इससे जो आपका बाद में मेकअप आता है बहुत अच्छा लगता है, कि सारे जो निशान होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करेंगे उसी जगह पर, ताकि वो सेट हो जाए जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं फेस पर। इसके बाद मीडियम बेज कंसीलर लेके मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया है ऑरेंज करेक्टर को। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया है, वहाँ वहाँ आप मीडियम बेज कंसीलर लगा के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और ये जो कंसीलर हम लोग लगा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू स्किन टोन लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कर रहे हैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन, जिसके लिए मैंने फॉरएवर 52 ब्रांड का पैकन और कस्टर्ड फाउंडेशन को मिक्स करके लगाया है। अच्छे से फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, पूरे नेक एरिया को भी आप लोग कवर करेंगे। हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करेंगे और सेट करेंगे फाउंडेशन को। और आपको हाथ को ऐसे रगड़ना नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर को, आपको डैब डैब करना है ताकि ब्लेंड हो उसी जगह पर अच्छे से लगे। अब मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर 001 हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ।
इनको स्पॉटलाइट पॉइंट्स भी कहा जाता है। अब आप इनको जब ब्लेंड करेंगे तो इसी एरिया पे ब्लेंड करेंगे जहाँ जहाँ आपने लगाया है। देखिए हम लोग किस तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। हाईलाइटिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्टोरिंग करना। इसके लिए हम लोग कॉन्टोर का यूज़ कर रहे हैं। इनके फेस टोन से 2 शेड डालकर हम लोग कॉन्टोर ले रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन करके हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे। तो कॉन्टोरिंग पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड की कैमोफ्लेज पैलेट है ये। नोज की भी कॉन्टोरिंग करेंगे अच्छे से ताकि नोज जो है हमारा स्लिम दिखे। ब्लेंड कर रहे हैं ब्लेंडिंग ब्रश से। ये स्लांट होता है थोड़ा सा ब्रश, इसकी नॉलेज हम लोगों ने ब्रशेस वाली वीडियो में दी हुई है कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को भी अच्छे से देखिए, थ्योरिकल क्लासेस की वीडियो चली थी जिसमें हमने सारे ब्रशेस का यूज़ भी बताया था। तो जो जो ज़रूरी ब्रश हैं उसमें बताए गए हैं, आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग जो लाइन पर जो है ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से आप लोग ब्रश से भी इसको ब्लेंड करेंगे नोज एरिया को। और इसके बाद हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा और जहाँ भी अनइवन दिख रहा होगा वहाँ पर ब्लेंड करेंगे। क्रीम ब्लशर का यूज कर रही हूँ के ब्यूटी ब्रांड का। ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। पिंकिश ग्लो आता है इससे, तो आप लोग जरूर यूज कीजिए क्रीम ब्लशर का। एयर ब्रश गन से मैं बेस को एक बार दोबारा से बना रही हूँ ताकि जो मेरे मेकअप की लास्टिंग है वो बढ़ जाए और जो मेरा बेस है वो अच्छा दिखे, फ्लॉलेस दिखे। तो हम लोग एयर ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। जो एयर ब्रश नहीं रखते वो इस वाले स्टेप के बाद, ब्लशर के बाद डायरेक्ट पाउडर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। डैब डैब करेंगे, जितने भी लाइंस आती हैं वो इस तरीके से लास्ट में ऐसे डैब डैब करेंगे तो लाइंस हटती जाएंगी। लाइंस हटने पर आप लोग पाउडर की एप्लीकेशन कर दीजिए, इससे हमारा जो बेस है वो सेट हो जाएगा। एक बार लिक्विड ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ मैं इनके लिए। ये भी एयर ब्रश गन में डाल के हम लोग ब्लशर को स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। Thank you.
फ्रेंड्स मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ NC25 का। आप लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं बेस को ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से, और आप कॉम्पैक्ट के साथ भी अपने बेस को सेट कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप लोग बेस को सेट कीजिए। कॉम्पैक्ट से एक शेड आपके फेस को और भी मिल जाता है, मतलब कॉम्पैक्ट जो है वो फाउंडेशन को सेट करने के साथ साथ अगर कहीं पे अनइवन हो रहा होता है तो उस जगह को भी वो ठीक कर देता है। मैंने अंडर आई के नीचे लूज पाउडर का यूज़ किया है जो कि मेकअप स्टूडियो ब्रांड का पाउडर है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर 1 नंबर। अच्छे से आप लोग इसको सेट करेंगे फेस के ऊपर पाउडर को, और सेट करने के बाद हम लोग इसको लॉक कर देंगे अपने मेकअप फिक्सर के साथ। वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो सेटिंग स्प्रे ही है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा चल रही है, सर्दियाँ हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो बेस मेकअप का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।